योग क्या है, क्या हम इसका सही मतलब समझते हैं, क्या योग हमारे शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने का एक तरीका है या उससे बढ़कर कुछ और। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं सभी सवालों के जवाब। हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रॉड लाइफ पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब भी हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आसन, वेलनेस और मेडिटेशन आते हैं। योग को हम एक फिटनेस रूटीन की तरह देखते हैं, बट योग का मतलब यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। पिछले कई सालों में रिसर्चर्स ने साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर योग की इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश की है और इतने सालों की रिसर्च के बाद भी योग का एक पहलू ही जान पाए हैं। आज की अप्रोच से अगर हम समझें तो योग को कॉमनली एक थेरेपी या एक्सरसाइज सिस्टम माना जाता है हेल्थ और फिटनेस के लिए। ये बात गलत नहीं है, पर यह बात पूरी सच भी नहीं है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ भले ही योग के नेचुरल रिजल्ट हैं, पर योग का लक्ष्य इससे कहीं ज़्यादा दूर है। विश्व के प्रसिद्ध योग गुरु BKS यंगर ने योग को कुछ ऐसे डिफाइन किया है। Yoga is about harmonizing oneself with the universe. It is the technology of aligning individual geometry with the cosmic to achieve the highest level of perception and harmony. योग एक ऐसी क्रिया है जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, या ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि योग एक ऐसा डिसिप्लिन है जो हमारे लिए कई ऐसे रास्ते खोल देता है जिन पर चलकर हम अपनी लाइफ गोल को पा सकते हैं। योग हमारे ऊपर अलग अलग लेवल पर काम करता है, माइंड, बॉडी, इमोशंस एंड एनर्जी। इससे हमें योग के 4 क्लासिफिकेशन मिले हैं। कर्मयोग, जिसमें हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। भक्ति योग, जहां हम अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान योग, जिसमें माइंड और इंटेलेक्ट यूज़ होता है। क्रिया योग, जिसमें हम अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सावधान हो चुके हैं और ये बदलाव हमें सबसे ज़्यादा इस पेंडेमिक के बाद देखने को मिला है। हमारे खानपान और एक्सरसाइज रूटीन में बहुत बदलाव आया है, सबसे ज़्यादा आज के यूथ में। आज के समय में योग की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। जिम ट्रेनर्स भी बॉडी बिल्डिंग के साथ योग को भी आगे लेकर चल रहे हैं। बट सवाल ये है कि क्या ये योग का बस एक ट्रेंड है जो सोशल मीडिया के जरिए फैल रहा है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऋग्वेद, उपनिषद और कई संस्कृत लेखों में योग के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। योग को सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक कल्चर, एक संस्कृति मानकर योग को आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि संत महात्माओं ने अपनी तप साधना और भक्ति योग को आधार बनाकर की है, और इसी योग और संस्कृति की इम्पोर्टेंस को समझकर हमें इसे अपने समाज में आगे बढ़ाना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम दोबारा मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।